दुनिया में ही अगर आप देखेंगे तो दूरदर्शन बहुत बड़ा ब्रॉडकास्टर है. तो हमारा कंपटीशन, हम नहीं कहना चाहेंगे कि हम इस चैनल के साथ कॉम्पीट करते हैं या इस चैनल के साथ, क्योंकि वो हमारा उद्देश्य नहीं है. हमारा उद्देश्य है एक मीनिंगफुल इम्पैक्टफुल प्रोग्राम को देश के सामने लाना और देश की प्रगति में हाथ देना, उसका साथ देना. तो ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, चूंकि ये एक लाइसेंस्ड फॉर्मेट है, इंटरनेशनली अक्लेम्ड ये प्रोग्राम है, मुझे बहुत इस प्रोग्राम से उम्मीदें हैं कि यहाँ की स्टोरीज को पूरी दुनिया के सामने लाने में हमें मदद मिलेगी. तो अगर हम बात करें जो डीडी कशिर को काफ़ी सपनों के साथ शुरू किया गया था, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाया उस एक्सपेक्टेशन को जो लोग वाबस्ता थे, वो टाइम टाइम पे मतलब सफ़र करते रहे. तो आपको लगता है कि अब वक्त आ गया कि बैक ऑन ट्रैक्स दिस चैनल को? 24 लाख की व्यूअरशिप से शुरुआत हुई 2 साल पहले जब हमने डीडी कश्मीर की रिवैम्प की प्रोसेस को शुरू की. आज हमारी चैनल की व्यूअरशिप 2.5 करोड़ से 3 करोड़ है. तो इसका मतलब ये है कि लोगों का प्यार और लोगों का सम्मान वापस हमारे चैनल को मिल रहा है, और वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम इस तरह के प्रोग्राम्स को नहीं लाते हैं जिसके सिर्फ आई बॉल्स हों. हम उस तरह के प्रोग्राम्स को अपने दर्शकों तक ला रहे हैं, जैसे मैंने कहा हालते हाजिरा, जिस तरह के प्रोग्राम हैं, न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स. हम लोगों को बता रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पर रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, ये सब इश्यूज़ भी तो हैं. तो उन इश्यूज़ को हम बाहर ला करके जो लोगों की जिंदगियों से रोज़मर्रा की चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं. यही रीज़न है कि 2 साल की मेहनत के बाद हम यहाँ आपके सामने आज खड़े हैं. तो आपको लगता है कि जहाँ ये शो आपकी चैनल को एक नई रूह देगा, तो साथ में जो यहाँ पे इस स्टेज पे, इस मंच पे आएंगे, तो उनकी भी जिंदगियाँ बदलेंगी? क्यों नहीं बदलेंगी? आप देखिए, उनकी जिंदगियाँ तो बदलेंगी, बाकी लोगों की जिंदगी. जैसे हम कभी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी देखते हैं तो हमारी जिंदगी में भी तो चेंज आता है. आप इस शो में देखिए, शूटिंग के दौरान हमने देखा लोगों ने इतनी अच्छी बातें बताई, इतने मतलब बहुत मुश्किलात से गुजरे वो, लेकिन हौसले से कैसे जिंदगी का सामना किया और सक्सेस अचीव की. उस तरह की स्टोरीज को हम लाएंगे जिससे कि हमारे जो युवा हैं, यंग लोग हैं, उनको एक हौसला मिले और आगे का रास्ता उनके लिए क्लियर. जी, लास्ट में ये जानना चाहूँगा, जो डीडी कशिर के साथ लोग वाबस्ता थे, चाहे वो टेक्नीशियन से लेके प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, आर्टिस्ट्स, वो डिफरेंट सिचुएशंस से दो चार हो रहे, किसी का पैसा फंसा हुआ है, किसी को काम नहीं मिल रहा है, तो आपको लगता है कि अब ये भी जिम्मेवारी है डीडी कशिर की कि उन लोगों को जिन्होंने इस दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर का आगाज़ किया था, जिन्होंने शुरुआत की थी, जिन्होंने इसे अपने बच्चे की तरह पाल के बड़ा किया, तो उनका भी अब दूरदर्शन को सोचना चाहिए कि उनका जो पैसा है या जो उनके स्टेक्स है या फिर जो उनको काम मिलना है यहाँ से, वो उनको मिले, उनका ड्यू अपना मिले. आप उनसे पूछिए और आपको यकीन होगा जब आप उनसे बात करेंगे कि हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं और प्रोसेस को शुरू किया है जिससे कि उनके जितने भी ग्रीवांसेस हैं उन ग्रीवांसेस को हैंडल करने में हमें मदद मिले और हम उनकी सहायता कर पाएं. असल में उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था कुछ महीने पहले, तो वो मेरे माइंड में आया, तो मेरे को लगा कि दिस इज द राइट टाइम टू आस्क यू अबाउट देयर ग्रीवांसेस. पुरजोर कोशिश है और हमारी तरह से कोशिश में कोई भी कमी नहीं है कि यहाँ पर हमारे यहाँ जितनी भी ग्रीवांसेस हैं उनको हम हैंडल करें. काफ़ी हद तक उन ग्रीवांसेस को हमने ख़त्म करने की कोशिश की है. डिटेल देना ठीक नहीं होगा क्योंकि उसका वक्त अलग है और आज हम केबीसी की बात कर रहे हैं, लेकिन इतना कहना काफ़ी होगा कि हमारे दिल में ये ज़रूर सम्मान है उनके लिए क्योंकि उन्होंने हमें काफ़ी मदद की है और कोशिश हमारी तरफ से जारी है. जो आपका डेली मूवी चलता है उसके खिलाफ काफ़ी नाराज़गी रही क्योंकि उनका ये कहना था कि मूवी के लिए इतना सारा प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पे मूवी चैनल्स ही है पूरा, अगर मूवी कोई देखना चाह रहा है तो ये जो चैनल शुरू किया गया था वो यहाँ के ट्रेडिशन, यहाँ के कल्चर, यहाँ के हेरिटेज जो स्टेट का है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको दुनिया तक पहुँचाने के लिए शुरू किया गया था, और जो प्राइम टाइम में मूवी चलती है उसके खिलाफ उनकी नाराज़गी थी, उस पर थोड़ा जानना चाहिए.
देखिए, कुछ लोगों ने जरूर नाराजगी जाहिर की, बट बाकी लोगों ने इसको काफी पसंद किया जो हमें फीडबैक मिला। तो ये कहना सही नहीं होगा कि सभी को नहीं पसंद आया, ये गलत है। दूसरी बात ये है कि अगर आप बाकी यहाँ के लोकल प्रोग्राम्स के बारे में बात करें, तो जैसे मैंने अभी आपको फरमाया कि हालत हजीरा, उसके बाद गली गली सिमसिम, उसके बाद बाकी के जो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK, हम सब कश्मीरी में कर रहे हैं और हमारी ये 100% कोशिश है कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ के लोगों के अंदर जो काबिलियत है, उसको लेकर के बाहर आया जाए। तो अब चूंकि ऐसा माहौल है कि हम बहुत सारी चीज़ें नहीं बताना चाहेंगे, आप हमें टाइम दीजिए, मौका दीजिए, ज़रूर आप इसमें बदलाव देखेंगे। थैंक यू सो मच।